इस ब्रिज के ऊपर से ही जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका जो बड़े बड़े टैंकर्स थे इसी ब्रिज से होकर जा रहे थे। स्वागत है सबका फिर से एक बार यूट्यूब चैनल अनिमेश पॉइंट म्यूजिक पे। मैं हूं अनिमेश सेन और आज हम लोग आए हैं दिखो रिवर के जो एक ऐतिहासिक ब्रिज है यहाँ पे शिवसागर में। तो वहाँ पे तो इस ये जो ब्रिज है ये कोई मामूली सा ब्रिज नहीं है, इसका बहुत खासियत है जो जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। तो दोपहर का समय है, धूप बहुत तेज है इसलिए थोड़ा छाया थोड़ा धूप आता रहेगा। तो ये है अभी का बीच जिससे मतलब असम ट्रंक रोड गुजरता है। ये असम ट्रंक रोड का एक पार्ट है और इसके बगल में ही है ये जो हिस्टोरिकल ब्रिज। तो ये ब्रिज ब्रिटिशों के दिनों का है, 1935 में बनाया गया था और इससे बहुत मतलब असम का नहीं इंडियन हिस्ट्री भी बहुत अच्छे तरह से इससे जुड़ा हुआ है और इसका अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो आज हम लोग इसी ब्रिज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले बोलते हैं इसको क्यों बनाया गया था। इसको बनाने का मेन मकसद सिर्फ नदी के दो साइड को कनेक्ट करना नहीं था, इसके अलावा भी बहुत मकसद था क्योंकि इस ब्रिज का एक खासियत है कि मतलब इसका जो ऊपर वाला पार्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रिज का ये जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाता था। ये जो नदी है दिखो रिवर है तो इसके पास में ही मतलब इस जगह के पास में एक और जगह है जिसका नाम है नाजिरा। तो नाजिरा में असम टी कंपनी के नाम से टी कंपनी था जो नाजिरा में बहुत सारे टी स्टॉक किया जाता था, चाय स्टॉक किया जाता था, उसको कोलकाता ले जाना था, कोलकाता और बाकी बाहर के बहुत सारे जगहों में। तो उस वजह से इस नदी के द्वारा नदी के जरिए मतलब नाजिरा से होकर शिवसागर के बीच से होकर ये दिखो रिवर जाके ब्रह्मपुत्र में मिलता है। सो ब्रह्मपुत्र से बाई रिवर कोलकाता तक जाने का ये जहाज़ का एक मार्ग था। तो उस वजह से यहाँ पे अगर नॉर्मल सा भी कोई भी ब्रिज बना दिया होता तो इससे जहाज नहीं गुजर पाता। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये दलंग बनाया गया ताकि मतलब ये जो दलंग है ऊपर की तरफ उठ जाता था, जब भी जहाज़ आना होता था तब ये ऊपर की तरफ उठ जाता था। सो दिस इज़ वाई दिस ब्रिज इज स्पेशल। लेकिन इसका जो आयु काल होता है, जो समय तक ये ब्रिज काम करेगा, वो लोग उन लोगों ने मेंशन किया था, वो अभी पार हो चुका है लेकिन उसके बाद भी ये जाने के लायक था। लेकिन इसका हालत बहुत ख़राब है, लेकिन टूरिस्ट के लिए ये एक बहुत अट्रैक्शन का जगह हो सकता था अगर इसका संरक्षण अच्छे तरह से किया जाता होता तो। लेकिन अभी इसका हाल बहुत ख़राब है और इसके मतलब क्या कैसे ये काम कर रहा था, पूरा कैसे ऊपर की तरफ उठ जाता था और जहाज़ जाने के बाद फिर से नीचे की तरफ आ जाता था, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। नाउ हियर एट ऑन द ब्रिज जिसे बनाया गया था, आप लोग देखकर शायद मतलब क्या बोलूँ क्या, यहाँ पे देखिए। सो दिस इज क्या है, BRAITHWAIT बीथवेट एंड को और यहाँ पे है इंडिया, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा, लिमिटेड और देखिए 1935 कोलकाता। तो इसको मैं छू पा रहा हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है क्योंकि ये जो दलंग है अभी बीच से पूरा ख़राब हो चुका है। मैं आपको आप लोगों को दिखाऊंगा और उस बीच से मैंने अभी वीडियो किया था इस जगह का। तो नाउ वी आर एट 1935 इस बीच के ऊपर से आप लोगों को पता है क्या, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोगों को और भी कुछ पता है इस ब्रिज के बारे में जो मैंने अभी नहीं बताया और मुझे नहीं पता तो प्लीज़ शेयर कीजिए हम लोग के दर्शक के साथ। लेकिन इस ब्रिज के बारे में मैं और भी कुछ थोड़े बहुत जानकारी देना चाहूँगा। सो बताते हैं, तो अभी आप लोग को झटका लगने वाला है तो रेडी हो जाइए। तो इस ब्रिज के ऊपर से ही जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका जो बड़े बड़े टैंकर्स थे इसी ब्रिज से होकर जा रहे थे, मतलब आने जाने का सारा
जो भी चीज़ें, टैंकर हो गया, जो भी गाड़ी हो गया, सब कुछ इस ब्रिज के ऊपर से ही जाता था। और आगे देखिए इसका हालत क्या है, आगे देखिए। मतलब मैं सोच के ही, मतलब खुद को क्या, मतलब क्या फील हो रहा है आपको, कैसे बताऊँ। इस ब्रिज पे चढ़कर, मतलब इसका, मतलब अगर मैं फ्लैशबैक में जा सकता था शायद, आजकल जैसे हम लोग वीडियो वीडियो में एडिट कर देते हैं ना, कि मतलब पिछले के टाइम में कैसा होता था, अभी के टाइम में, अगर सोचिए कि अचानक से ये पूरा चारों तरफ का सिचुएशन बदल गया। हम लोग पहुंच गए 1935 में बनाया गया, तो 1940 में पहुंच गए हम लोग। तब देश स्वाधीन भी नहीं हुआ, फ्रीडम भी नहीं मिला इंडिया को, और इस बीच से लोग गुजर रहे हैं, गाड़ियाँ गुजर रहे हैं, ब्रिटिशों के गाड़ी गुजर रहे हैं, टैंकर्स गुजर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए इस जगह को, और बाकी इसके ऊपर के पूरे ढांचे को देखिए। इसका डिज़ाइन थोड़ा आपको जाना पहचाना शायद लग रहा होगा, क्यों पता है? इसका वजह यह है कि ये जो ब्रिज बनाया गया है वो उसी कंपनी ने बनाया है जिस कंपनी ने कोलकाता के हावड़ा ब्रिज को बनाया। जी हाँ दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के बनाया गया जिस कंपनी ने, उसी ब्रिज ने, उसी कंपनी ने इस ब्रिज को बनाया है। और सेम जो वहाँ पे इंजीनियर्स थे, सेम ही इंजीनियर्स है। और असम के भी एक चीफ इंजीनियर जो थे, असिस्टेंट चीफ इंजीनियर, जिनका योगदान इस ब्रिज बनाने में बहुत बड़ा योगदान था, उनका नाम था हरिप्रसाद बरुआ। तो हरिप्रसाद बरुआ, उनका भी योगदान यहाँ पे बहुत है। और इसके अलावा जय वाक्सेस एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, और ब्रिटिश मतलब ऑफिसर नहीं, क्या बोलते हैं उनको, हाँ ऑफिसर भी बोल सकते हैं, मतलब इंजीनियर टाइप के थे जिनके द्वारा ये सब ब्रिज निर्माण किया गया था। तो उनका भी योगदान यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा योगदान था। ब्रिटिशर्स ने शासन किया असम पे, पूरे इंडिया पे, और वर्ल्ड के बहुत बहुत जगहों पे भी किया, लेकिन उन्होंने उनके फायदे के लिए किया, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे तकनीकों का यहाँ पे यूज़ किया, और मतलब इतने मजबूती से बनाया कि देखिए इतने सालों बाद भी ये ब्रिज अभी तक खड़ा है। 64 इयर्स लाइफ टाइम दिया गया था जब, मतलब घोषणा किया गया था इस ब्रिज को बनाने के बाद, लेकिन देखिए आज है 2022, और इस ब्रिज को बनाया गया था 1935 में। तब से लेकर अब तक यहाँ पे मैं चल पा रहा हूँ, यही क्या कम बात है, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ इस ब्रिज पे। हाँ, ऊपर का ये जो लेयर, रोड का लेयर, ये टाइम टाइम में चेंज किया गया था ताकि ये मेंटेन किया जा सके, लेकिन आज भी ये लोहा उसी मजबूती से खड़ा है। और आज तो इससे, हाँ आना जाना तो रिस्की है, तो बिल्कुल आप लोग नहीं आइए, लेकिन इसको एक टूरिस्ट प्लेस के तरह से सजाने के लिए, मतलब बहुत सारे स्कोप था, बहुत स्कोप था यहाँ इसको, मतलब टूरिस्ट प्लेस, एज ए टूरिस्ट प्लेस हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते थे। और यहाँ का जो लोहा है यहाँ पे देखिए अभी भी बहुत स्ट्रांग तरीके से है। और ऊपर की तरफ देखिए, असम इसमें कॉपीकॉल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं अगर मुझे याद आए तो डाल दूंगा, कॉपीकॉल बोलते हैं। कॉपीकॉल के द्वारा जैसे हम लोग कुएं से पानी निकालते हैं ना, उसी टाइप से मोटर के द्वारा इस ब्रिज को इस बीच में से ऊपर की तरफ चढ़ा दिया जाता था। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, वर्क अभी तो वर्क नहीं करता है, तो इसके तार अभी भी आप लोग देख सकते हैं। मेरे ऊपर की तरफ अगर देखे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे तार है। सो अभी आज के ब्लॉग में मैं अपना चेहरा ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मतलब मुझसे देखकर आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इस जगह को देखकर बहुत जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। और नीचे देखिए ये जो काट के, जो क्या बोलते हैं उसको, पेड़ को काट कर जो जो टुकड़े बिछाया गया था, ये बाद के समय में बिछाया गया था ताकि इसको यूज़फुल करके रखा जा सके आने जाने में, लेकिन ये भी अभी टूट चुका है और इससे ज़्यादा बहुत खतरनाक है। फिर भी कुछ कुछ लोग इधर से चल चल कर साइकिल वाइकिल लेकर भी चले जाते हैं, लेकिन बहुत रिस्की है, आप लोग ना आए। और ना आने के लिए वहाँ पे थोड़ा सा बैरियर जैसा लगा गया है थोड़ा ऊँचा करके, वो भी मैंने आप लोग को दिखाया था आते वक्त, लेकिन अभी मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आ रहा हूँ, नहीं तो मैं खुद भी कभी नहीं आया था, बल्कि आज मैं पहली बार यहाँ पे चढ़ा हूँ इस ब्रिज पे, क्योंकि बहुत रिस्की ब्रिज है। तो भाई इतना मेहनत करा है, थोड़ा तो लाइक वाइक दबा दो, शेयर वेयर कर दो। और मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद दो था, एक है कि आप लोगों को इस जगह के बारे में पता चले, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले, और दूसरा है कि इसको संरक्षण मिले, क्योंकि देखिए अभी भी ये ऐसा हालत में भी नहीं है कि टूटकर गिर जाएगा, बहुत बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। सिर्फ हम लोग नीचे की तरफ हम लोग चढ़ नहीं सकते, और इसका लाइफ टाइम ख़त्म हो गया है, तो 64 इयर्स से भी बहुत साल ज़्यादा बीत गया है, तो आप लोग
कभी भी मत चढ़िए, लेकिन इसको एक एज ए टूरिस्ट प्लेस बहुत अट्रैक्शन मिल सकता था। अभी भी बहुत लोग या इसके बारे में बहुत लोगों को पता है, लेकिन ये ऐसा जगह ऐसा हालत में है, कोई अपना वीकेंड या टाइम स्पेंड करने के लिए इसके सामने आना पसंद नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, नहीं करेगा, दूर से एक बार देख कर चला जाएगा, हाँ बोलेगा हाँ ऐसा ब्रिज बहुत अच्छा ब्रिज बनाया था, लेकिन वीकेंड या ऐसे कुछ टूरिस्ट प्लेस घर में कोई आया हम लोग घूमने के लिए आते ऐसा तो बिल्कुल मेंटेन नहीं किया गया है। तो देखिए सामने का जो ब्रिज है ये भी शायद कुछ सालों बाद, 10 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो, ये टूट जाएगा, लेकिन इतने 100 साल कंप्लीट होने को है। अभी 2022 चल रहा है और सामने 20 और ये बनाया गया था 1935 में, तो 2035 में इसका 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा और मुझे तो नहीं लग रहा है कि 2035 से ये टूटकर गिर जाएगा। टूट जाएगा रास्ता बीच में, अभी जहाँ पे मैं चल रहा हूँ शायद ये भी नहीं बचेगा, लेकिन ऐसा टूटकर तो नहीं गिरेगा। सो दिस इज़ वाई ये ब्रिज बहुत इम्पोर्टेंट था। और एक बात बोलता हूँ, ये ब्रिज बनाने के टाइम में सिर्फ आसाम के और ब्रिटिशर्स नहीं बल्कि बांग्लादेश के मयमनसिंह के लोगों को भी यहाँ पे लाया गया था एज ए लेबर। उन्होंने बहुत यहाँ पे अपनी कारीगरी दिखाई और बहुत मेहनत किया। और यहाँ पे जो ये सारे लोहा, कितने टन लोहा यहाँ पे यूज़ किया गया होगा आप लोग सोच ही सकते हैं, इन सारा लोहा कोलकाता से लाया गया था और लाके यहाँ पे थोड़ी दूर पे एक जगह पे रखा गया था, उसके बाद यहाँ पे लाया गया और फिटिंग किया। मयमन सिंह के जो लोग थे और ये आसम के भी थे बहुत सारे, सिर्फ वही नहीं लेकिन उनका योगदान भी यहाँ पे बहुत है। तो इस वीडियो बनाने का मकसद यही था और आप लोग ही बताइए कि इस जगह को अट्रैक्शन मिलना चाहिए कि नहीं। अगर आप लोग चाहते हैं कि शिवसागर को और भी थोड़ा अट्रैक्शन मिले, इसके थोड़े अननोन प्लेसेस सबको, ये यहाँ के लोकल सभी को पता है, लेकिन दूर से जो आते हैं इस 80 रोड से गुजर के जाते हैं, लेकिन इसको इस ब्रिज को देखते हैं लेकिन समझ में आता है थोड़ा पुराना है, लेकिन इसका हिस्ट्री, ये जो ऊपर से ऊपर की तरफ उठ जाता था फिर नीचे की तरफ झुक जाता था, 90 डिग्री एंगल में ऐसे खड़ा हो जाता था ये ब्रिज, तो ज़रा सोचिए। मेरा सांस फूल गया बोलते बोलते इस तरह के मतलब वीडियोज़ बनाने में काफ़ी, क्योंकि खुद में ही बहुत बहुत एक्साइटमेंट भरा हुआ रहता है, फिर ऊपर से धूप भी है और क्या बोलूँ, ऐसा फील हो रहा है कि मतलब मैं हिस्ट्री में चला गया हूँ। सो प्लीज़ आप लोग इस जगह को देखने के लिए आइए, और अगर कोई बड़े आदमी भी, बड़े बड़े लेवल का आदमी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए और इस जगह को थोड़ा सा तो नोटिस कीजिए सर जी, थोड़ा सा तो नोटिस कीजिए और आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि इस जगह को थोड़ा सा फोकस मिल पाए। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि इस तरफ नाजिरा है, नाजिरा से बड़े बड़े जहाज़ आ रहा है, ये ब्रिज नहीं है, सामने वाला ब्रिज नहीं है, बड़े बड़े जहाज़ आ रहा है तो यहाँ पे आके यहाँ तक पहुँच गया और बीच में से ये जो ब्रिज है ये ब्रिज उठ गया ऊपर की तरफ ऐसा करके 90 डिग्री एंगल में, फिर जहाज़ यहाँ से पार हो गया फिर उधर चला गया। जस्ट इमेजिन, मैं तो सोचते ही मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और बहुत ब्रिटिशर्स से। और हाँ और एक बात, यहाँ से जो भी गुजरता था उन लोगों से पैसा लिया जाता था, क्योंकि उस टाइम में नॉर्मल पीपल नाव से ही आया जाया करते थे, इस ब्रिज का इस्तेमाल बहुत कम हुआ करता था, बहुत सारे बड़े बड़े टैंकर्स या बहुत सारे गाड़ी वाड़ियाँ गुजरने के लिए, तो उस टाइम में एक गाड़ी गुजरने के लिए 1 रुपये लिया जाता था और एक इंसान का दो आना यानी आने जाने का, तो यानी एक बार में एक आना तो दो बार में दो आना। से देखिए कितने कचरा गिराया जा रहा है, गिरा दिया। सो दिस इज How people are making our rivers dirty. कोई बात नहीं है, जो कचरा मतलब क्या बोलते इसको पच जाता है वो सब कचरा गिराने से कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये प्रकृति का ये अंश है, प्रकृति में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे जो प्लास्टिक्स गुजरते हैं, अभी देखिएगा उस तरफ से गिराया ना इस तरफ से निकलेगा थोड़ी देर बाद में, तो वहाँ पे आ रहा है, देखिए रुकिए आ रहा है, तो वो सब प्लास्टिक्स प्रकृति अपने अंदर नहीं ले पाती, तो प्लास्टिक्स कपड़े पचने में बहुत सालों लग जाता है, कभी तो पच भी नहीं पाता। तो दिस इज़ वाई वी शुड नेवर थ्रो आवर जो बिना पचने वाले जो चीज़ है वो पानी में मत फेंकिए, उसको हो सके तो रिसाइकल करिए और उसका यूज़ जितना हो सके घटा दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बहुत सारे कचरा, मतलब कचरा नहीं, लोग आके फ्रूटी खाया, ये तो 1935 का तो फ्रूटी नहीं है जी, बिल्कुल अभी का है, तो उसको भी यहाँ पे फेंक दिया। यहाँ पे जो गाय वाय चढ़ते हैं वो भी बहुत रिस्की है, और गाय वाय चढ़ के यहाँ पे फंस जाने का भी रिस्क रहता है, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए।
आपका भी अगर गाय है कुछ है या पे या के जो लोकल लोकल्स अगर कोई मुझे देख रहे हैं इस वीडियो में, तो उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो प्लीज़ यहाँ पे ऐसा मत नहीं कीजिए, गाय वाय को आने नहीं दीजिए और जितना हो सके बैरियर थोड़ा ऊँचा कर दीजिए ताकि मैं भी नहीं आ पाऊँ, मैं भी तो आ गया ना तो वैसा ही हो। सो यही था इस जगह के बारे में। आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताइए, मुझे तो इस जगह को देखकर बहुत ही अच्छा लगा लेकिन बहुत बुरा भी लगा क्योंकि लोग इसको इस जगह को इग्नोर कर रहे हैं, ऑफिशियल्स भी इग्नोर कर रहे हैं, इसका अच्छे तरह से संरक्षण नहीं हो पा रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते फिर कभी किसी नए व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फिर से बोलो फिर सबके साथ शेयर कीजिए ताकि इस जगह को थोड़ा सा अट्रैक्शन मिल जाए, मेरे लिए नहीं इस जगह के लिए, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर कभी किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।